दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्टोरी टैप के बारे में कि कितने सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पर हो जाते हैं तब आपको स्टोरी टैप मिलता है, क्योंकि ये तो आप सबको पता है कि 1000 सब्सक्राइबर जब आपका कंप्लीट होता है तब आपको कम्युनिटी पोस्ट मिलता है, लेकिन आपको स्टोरी टैप क्यों मिलता है आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर आपका जो स्टोरी टैप होता है ना वो हर एक क्रिएटर को नहीं मिलता, कुछ ही क्रिएटर को मिलता है, तो किन लोगों को नहीं मिलता है और किन लोगों को मिलता है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आपने अपने चैनल पर स्टोरी लगा रखा है ना तो उसका आपके चैनल पर फायदा क्या होने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि जब आपके चैनल पर स्टोरी टैप इनेबल हो जाता है ना तब यहाँ पर आपके जो चैनल के व्यूज होते हैं ना वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होते हैं, काफी ज्यादा आने लगते हैं। कैसे ज्यादा आने लगते हैं सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जब आप अपने चैनल पर स्टोरी लगाओगे ना तो लोग उसको कहां से देख पाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, अगर आप भी स्टोरी टैप को लेकर के जितना भी डिटेल है सारा कुछ जानना चाहते हो तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके टेक्निकल भैया में। तो चलिए शुरू करते। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको स्टोरी टैप मिलता कब है। ये चीज तो आपको सबको पता है कि जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होता है तब आपको लाइव स्ट्रीम आपके इनेबल हो जाता है और आपका कम्युनिटी पोस्ट इनेबल हो जाता है। लेकिन जब आपके चैनल पर 10000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब यहाँ पर आपको यूट्यूब की तरफ से आपको स्टोरी टैप का ऑप्शन दे दिया जाता है। देखो कम्युनिटी टैप पर जिस तरीके से आप अपने कोई एक बड़ा सा थंबनेल लगा करके वीडियोज की लिंक लगा सकते हो या कोई वीडियो शेयर कर सकते हो ना, उसी तरीके से आपका जो स्टोरी टैब होता ना स्टोरी टैब में आपका बिल्कुल व्हाट्सएप स्टेटस टैब का होता है। जैसे कि आप इस कम्युनिटी पोस्ट में होता है कि सिर्फ आप थंबनेल लगा सकते हो, सिर्फ आप एक फोटो एक पिक्चर ही लगा सकते हो और वहां पर लिंक दे सकते हो, लेकिन जो आपका स्टोरी टैब होता ना वहां पर आप स्टेटस टैब का लगा सकते हो, मतलब आपका खुद का एक वीडियो क्लिप लगा सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो कि आज के इस वीडियो में मैंने इस चीज के बारे में बात करी है। अगर आप जानना चाहते हो तो वहां पर जाकर के आप वीडियोज को देख सकते हो और आप वहां पर एक साइड में आप कॉर्नर पर कहीं पर भी वीडियो को मेंशन कर सकते हो तो लोग डायरेक्टली उस पर क्लिक करके और डायरेक्टली आपके फुल वीडियोस पर जा सकते हैं आपके स्टोरी टैब को देख करके, ठीक है। तो स्टोरी टैब का यही फायदा है कि जो भी आप वीडियोस बनाओगे ना उसके बारे में आप एक बार और लोगों को बता दोगे ताकि आपके व्यूज काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। हम यहाँ पर बताता हूँ कि किन लोगों को स्टोरी टैब मिलता है, मतलब कि 10000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के बाद सब लोगों को स्टोरी टैब नहीं मिलता, स्टोरी टैब का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये किन लोगों को मिलता है और किन लोगों को नहीं मिलता। अगर आपका जो चैनल है ना, जो अगर आप अपने चैनल पर एकदम अपना जेन्युइन कंटेंट डालते हो ना, अपना खुद का कंटेंट डालते हो ना, सही तरीके का कंटेंट डालते हो ना, सही तरीके की वीडियोस बनाते हो ना, तो आपको सक्सेसफुली 10000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद सक्सेसफुली आपको 7 दिनों के अंदर स्टोरी टैब का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। देखो 7 दिन का टाइम तो आपको लगने ही वाला है, क्योंकि जब आपका 10000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होता है ना तो यूट्यूब इस चीज को चेक करता है कि क्या 10000 सब्सक्राइबर्स आपने सिर्फ कंप्लीट करे हैं या फिर आपके इससे कम तो नहीं हो रहा है, मतलब कि 10000 सब्सक्राइबर लगातार आपके 7 दिनों तक अगर बने रहते हैं तो सक्सेसफुली आपको स्टोरी टैब का ऑप्शन इनेबल कर दिया जाता है। और अगर आप अपने चैनल पर जेन्युइन कंटेंट नहीं डालते हो, खुद का कंटेंट नहीं डालते हो, रियूज कंटेंट डालते हो, या फिर अगर आपका चैनल मेड फॉर किड्स है तो भी इस केसेस में आपका ना तो कम्युनिटी पोस्ट मिलता ना ही यहाँ पर आपको स्टोरी टैब मिलता, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपने चैनल पर स्टोरी लगा दी है तो उसको कहाँ से देखो, क्योंकि अभी तक देखो क्या होता था कि जब तक ये यूट्यूब पर शॉर्ट सेक्शन नहीं आया था ना तो शॉर्ट सेक्शन में जो अभी आपको वीडियो शॉर्ट सेक्शन में वीडियो दिखाई देते ना, यहाँ पर एक्चुअली में अभी तक स्टोरी टैब जिनका स्टोरी टैब इनेबल था उनकी स्टोरी दिखा करती थी, लेकिन जब से शॉर्ट सेक्शन आ गया तो वहां पर स्टोरी दिखना बंद हो गई है, बस लोगों के शॉर्ट वीडियोज ही वहां पर देखने को मिलते हैं। तो अब अगर अपने चैनल पर कोई भी स्टोरी टैब लगाएगा ना तो उसको देखने का सिंपल तरीका जाना है आपको उसके चैनल पर जा करके जब आप उसके लोगों पर क्लिक करोगे ना तो जिस प्रकार से आप व्हाट्सएप पर किसी का स्टेटस देख सकते हो ना उसी तरीके से आप यूट्यूब पर भी उसके लोगों के ऊपर एक बार क्लिक कर दोगे, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर देखते हो ना उसके लोगों के ऊपर क्लिक कर देते हो तो उसकी स्टोरी आप देख सकते हो, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको यूट्यूब पर भी उसके लोगों पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद सिंपल सा जो भी उसने स्टोरी लगा रखी होगी आपके सामने स्टोरी आ जाएगी। अगर उसने वीडियो मेंशन करा होगा तो वीडियो वहां पर आ जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उसके फुल वीडियोस पर जा सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपना अगर आपने स्टोरी टैब लगाया होगा, स्टोरी अगर आपने लगाई होगी तो इस प्रकार से आपकी स्टोरी लोग देख सकते हैं। अभी तक आपका जब तक शॉर्ट सेक्शन नहीं था तो आपका शॉर्ट सेक्शन में आपका नीचे स्टोरी टैब का ऑप्शन था तो वहां से आप आसानी से देख पाते थे, लेकिन शॉर्ट सेक्शन आने के बाद अब आपको स्टोरी देखने के लिए चैनल के लोगों पर क्लिक करोगे तभी आप वहां पर स्टोरी देख पाओ। और एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका स्टोरी टैब पाने के लिए आप एलिजिबल हो चुके हो फिर भी आपका स्टोरी टैब नहीं मिल रहा, मतलब आपके 10000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं फिर भी अगर आपको स्टोरी टैब नहीं मिल रहा ना तो यूट्यूब टीम को आप सिंपल सा फीडबैक भेज सकते हो कि हमारे चैनल पर 10K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और अभी तक यहाँ पर स्टोरी टैब का ऑप्शन नहीं इनेबल किया गया, तो सक्सेसफुली आपका स्टोरी टैब का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। लेकिन 7 दिन तक तो आपको बिल्कुल नहीं भेजा, 7 दिन तक तो आपको सिर्फ वेट करना, क्योंकि 7 दिनों के अंदर अंदर अगर आपका चैनल में जेन्युइन कंटेंट होता ना तो आपका 7 दिनों के अंदर अंदर आपका इनेबल कर दिया जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट सही है एकदम रियल है फिर भी अगर आपका इनेबल नहीं
हो रहा तो आप आसानी से फीडबैक भेज सकते हो ताकि आपका सक्सेसफुली आपका स्टोरी टैप इनेबल हो जाए। आई होप कि आप स्टोरी टैप को लेकर के सारा का सारा फंडा समझ गए होंगे, किस तरीके से आप देख सकते हो, किस तरीके से आप लगा सकते हो, कैसे इसका फायदा हो सकता है आपके चैनल पर। तो अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है मैं YouTube से रिलेटेड हमेशा इस तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूं। और अगर आपका YouTube से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो Instagram पर पूछ सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, फॉलो जरूर कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।